हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ़ फॉर ब्लॉक्स दिस इज मी योर होस्ट नितिन तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में जो कि बहुत दिन से सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट लगाया और आपने उसके बारे में रिव्यू नहीं किया तो so, आज हम करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर पूरी बात तो so, क्या है वो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है ये नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन जो मैंने अपनी गाड़ी में चेंज किया था तो आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात कि एक्चुअली ये इससे क्या हमारी लाइफ में डिफरेंस आता है क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है और जानेंगे इसके बारे में सब कुछ लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले तो यह समझिए कि मैंने ये कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन को चेंज करके नाइट्रोक्स लगाया क्यों तो बेसिकली जो कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन है वो आपको लॉन्ग राइड्स पे काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस देता है यानी कि अगर आप बात करें सस्पेंशन की तो 50 एक किलोमीटर अगर आपने गाड़ी चला ली है तो सस्पेंशन और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और पॉटहोल्स में आपको डायरेक्टली जो है जो जर्क होता है वो आपको आपकी टेल बोन के ऊपर पता चलेगा अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो और अगर आप पिलियन हैं तो आपके लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है तो अब आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि यह सस्पेंशन चेंज क्यों किया तो गैस नाइट्रॉक्स जो सस्पेंशन होता है इसकी खासियत ये होती है क्योंकि ये जा, गैस चार्ज सस्पेंशन होता है ये ये गैस कैनिस्टर होता है इसके अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन और अभी मैंने इसको अगर आप बात करें तो मैंने इसको थर, थर्ड लेवल पे रखा है ये सिक्स स्पीड एडजस्टमेंट होता है यानी कि ये देखिए अभी ये सस्पेंशन बहुत सॉफ़्ट है मैं चाहूँ तो इस सस्पेंशन को यहाँ से एडजस्ट करके और भी ज़्यादा सॉफ़्ट कर सकता हूँ यानी कि ये थर्ड पोजीशन पे है आउट ऑफ सिक्स तो ये काफ़ी माइल्ड है मैं चाहूँ तो इसे और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर सकता हूँ भी देखिए मैं बहुत हल्का सा दबा रहा हूँ तो ये देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट इसका आ रहा है अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या थी तो ये तकरीबन पच्चीस सौ रुपए का सस्पेंशन था और इसमें जो बुश हैं वो तकरीबन साठ एक रुपए के पड़ते हैं अब बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि बुश नहीं मिले तो क्या करें तो गई देखिए बुश यहाँ पे लगता है समझिए मेरी बात को यहाँ लगते हैं वो बुश दोनों साइड इसके अंदर इस इस शॉकर के माउंट के अंदर होते हैं इसके अंदर होते हैं तो अगर आपको बुश नहीं मिलते हैं फॉर एनी रीज़न तो आपके जो पुराने बुशेस हैं आपके कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन के उसको निकाल के इसमें फिट कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप क्लासिक के निकाल के रख दीजिए और मिटॉर वाले आप इसमें लगा लीजिए और उसके बाद आप इसको कस सकते हैं अब ये बुश एक्चुअली है क्या पहले तो ये समझिए ये बुश जो है एक मेटल का बुश होता है इस शॉकर के बीच में एक रबर होती है इस शॉकर के बीच में यहाँ पे एक रबर होती है और उसके अंदर एक मेटल बुश होता है जिसके अंदर ये बोल्ट सीधा चलता है तो ये जो बोल्ट होता है ये बोल्ट जो है उसके साइज़ का वो बुश होता है जिससे कि उसके अंदर प्रॉपरली इस तरीके से क्लैंप हो जाता है तो ये वो बुश है जो आप अपने पुराने शॉकर में से निकाल के लगा सकते हैं और अब एक और सवाल जो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आपको नहीं लगता है कि आप ये चेंजेस कर रहे हैं या ये मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं तो इससे गाड़ी की वारंटी वॉइड होती है तो एक और बहुत बड़ी बात आपको आज बता देता हूँ कि आपको रॉयल एनफील्ड से कभी भी सस्पेंशन के ऊपर वारंटी नहीं मिलती है सस्पेंशन की जो वारंटी होती है वो सिर्फ 1000 थाउजेंड किलोमीटर्स तक ही होती है यानी कि अगर 1000 किलोमीटर बाद ये सस्पेंशन मेरा लीक हो गया या फिर ये सस्पेंशन लीक हो गया तो इसकी गैस इसके अंदर जो गैसकेट है उसको रिपेयर करने का चार्ज मुझे देना पड़ेगा और ये सस्पेंशन रिप्लेस कराने का पूरा चार्ज मुझे देना पड़ेगा तो रॉयल एनफील्ड से आपको बाय डिफ़ॉल्ट सस्पेंशन की कोई भी वारंटी नहीं आती है तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए ये गाड़ी में वारंटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं है क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं और आप इंजन या एग्जॉस्ट के साथ भी कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं अब बात करते हैं कि सस्पेंशन को लगाने के बाद मेरी सस्पेंशन की क्वालिटी कितनी बेटर हो गई है आई वुड से एटलीस्ट 85 परसेंट जो हार्डनेस थी वो ख़त्म हो चुकी है हालांकि मैं चाहूँ तो सस्पेंशन और सॉफ्ट कर सकता हूँ लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं कराया तब तब क्या होगा कि जो टायर और मडगार्ड के बीच में है वो फ्रिक्शन वो स्पेस जो है वो ज़्यादा जल्दी होगी जिससे मडगार्ड में टायर के लड़ने का खतरा हो सकता है तो जो मैंने इसमें करा हुआ है वो ये है कि अब इसमें मैंने थर्ड लेवल पे रखा हुआ है सस्पेंशन को जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और मेरे लिए और मेरे पिलियन के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है तो अगर आप ये चेंज करने की सोच रहे हैं अपनी गाड़ी में तो आप इसको बिल्कुल कंफर्टेबली कर सकते हैं आप अगर आप थोड़े से टैक्स आ हैं तो आपको करना कुछ नहीं है एक बोल्ट यहाँ से खोलना है एक बोल्ट यहाँ से खोलना है ये आप देख लीजिए सेटअप ये कैनिस्टर आगे की तरफ रहेगा और सिमिलरली इस तरीके से ही कैनिस्टर इधर भी आगे की तरफ रहेगा और आप इसको खुद इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आप टेक सेवी हैं तो वरना आप किसी भी सर्विस सेंटर से करा सकते हैं या फिर लोकल मैकेनिक से भी करा सकते हैं बट आई कैन से वन थिंग कि आपको कराने के बाद निराशा नहीं होगी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है सो so, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल अभी भी रहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा मैं आपको ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा सो विद दिस नोट दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉग्स फॉर द डे मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में टिल देन स्टे ट्यून स्टे सेफ स्टे सिक्योर गुड बाय